आप देख रहे हैं अनमोल टेलर, मैं हूँ रमेश बाबू। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं, आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है फ्रेंड। तो टॉपिक आपको मैं बता देता हूँ, आज मैं पांचे पे जो कांटा बोलते हैं, लहरिया बोलते हैं, वो लगाने वाला हूँ मैं। तो उसको मैं आप लगा के चेक करवाऊँगा एंड में। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है फ्रेंड। तो आपको तरीका समझा देता हूँ, जब आपने इसकी बकरम की पट्टी लगानी है तो आपने 1.5 इंच की नहीं 1.25 इंच की लगानी है, क्योंकि इस पर हम डबल लगाने वाले हैं। तो 1.25 इंच की पट्टी लगा लेंगे हम। और 1.25 इंच की पट्टी लगाने के बाद हम ऊपर नीचे से सिलाई, पहले नीचे से लगाई हुई है, अभी ऊपर से हम लगा रहे हैं। तो फ्रेंड ये इस पर हम डबल में बनाएंगे, तो ये 1.25 इंच की पट्टी है, तो हम बीच में से 3 सिलाइयाँ लगाएंगे और 3 नीचे से चलाएंगे और 3 सिलाइयाँ ऊपर से चलाएंगे। तो तकरीबन ये 3-3 सूत्र का मार्जिन हमारा चला जाएगा सिलाइयों के अंदर, 3-3 सूत्र का चला जाएगा। तो ये हम 3 जगह पे सिलाइयाँ लगाएंगे, तो हमारा तकरीबन 1.25 इंच हो जाएगा। बाकी जो हमारे पीछे बच रहा है, वो हमारा 0.5 इंच बच रहा है, तो तकरीबन 6 सूत्र है। तो वो 6 सूत्र जो है उसमें हम ऊपर और नीचे वो कांटा बनाएंगे, लहरिया बारीक वाला, जो हम सिलाई वाली मशीन की मदद से बनाएंगे। तो आपने आगे तक ये वीडियो देखना है तो आपको पता चल जाएगा फ्रेंड। तो आपने सिलाइयाँ इस तरीके से लगा लेनी है, बिल्कुल सीधी सिलाइयाँ लगानी है। फ्रेंड ये सिलाइयाँ लगाने के बाद जो हमारे पास मार्जिन आएगा, बीच में सिलाई लगाने के बाद जो ऊपर नीचे मार्जिन आएगा, हम उसमें कांटा लगाएंगे लहरिया, वो भी बारीक में लगाएंगे। तो सिलाइयाँ कुछ इस तरीके से लगानी है आपने, और बकरम वही आपने 1.25 इंच का लेना है, कम भी नहीं लेना है, ज़्यादा भी नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो है हमारी लुक अच्छी आ जाती है। फ्रेंड चेक कर लें, अब हम सिलाइयाँ हमारी मुकम्मल हो चुकी है तकरीबन। तो हम अब इसमें लगाएंगे, फ्रेंड हम नीचे जो डबी है उसमें बाबिन में हम इस जो ब्लू कलर का सूट है, तो उसी का सूट की जो है धागा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो 3 भाग में हमने बांटा हुआ है। 3 भाग में मतलब समझे हैं कि 1, 2, 3 में जो धागे हैं वो मिला के हमने उसमें भरे हुए हैं। और ऊपर से मैं वाइट लगाने वाला हूँ, तो इसमें थोड़ा कंट्रास्ट आ जाएगा, तो इसका लुक अच्छा बन जाएगा। अगर आप वाइट नहीं लगाना चाहते, इसका अपना धागा यूज़ करना चाहते हैं, वो भी चल जाएगा, उसका भी लुक अच्छा आ जाता है, लेकिन इसका थोड़ा दिखने वाला बन जाएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से आपने दोनों हाथों की मदद से मशीन को चलाते जाना है, आस्ता, ज़्यादा स्पीड से नहीं। और इसमें इस तरीके से हाथों से आपने ये लहरिया कांटा जो है ये इस तरीके से बनाते जाना है। तो हम डबल में बनाने वाले हैं 2 जगह पे। फ्रेंड अगर आप हमारा वीडियो पहली मरतबा देख रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तो हम आपको अच्छे अच्छे तरीके, आसान तरीके जो है वो शेयर करते रहेंगे। तो फ्रेंड आपने ये चेक कर लें, हमारी लुक जो कैसी आई है चेक कर लें, बिल्कुल ओके आई है। आपको चेक करवाते हैं, कोई भी फर्क कहीं से भी नहीं आएगा। तो
ये हमारी लुक आ चुकी है। आसान है, बहुत ही ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, कोई खर्चा नहीं लगने वाला है। ब्रेंड हमारा ये लुक फाइनल आ चुका है। तो इसके साथ इजाज़त देना, अल्लाह हाफिज़, धन्यवाद।